गाइस एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये जो वीडियो है खास करके बनाया गया है सब्सक्राइबर्स डिमांड पे। अब आप बोलोगे सब्सक्राइबर डिमांड क्यों, कि एक्चुअली ये जो वीडियो है मेरा बनाने का मकसद नहीं था। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को इंस्टा पे 4-5 लोगों ने डीएम किया कि बोला ब्रो तेरे को कन्याकुमारी राइड के लिए कितना पेट्रोल एक्सपेंसेस लगा और तेरे को कितना जो भी खर्चा हो गया कितना हुआ। उनमें से एक बंदे ने बोला तूने गोवा का एक्सपेंसेस वीडियो बनाया था वैसा क्यों नहीं बना रहा है। उसको बोला एक्चुअली ये जो वीडियो बनाने नहीं है मेरे को क्योंकि पकड़ा है मेरे को। इन शॉर्ट बताना चाहता हूँ, आप लोग का क्यूरियस रहता कि कितना खर्चा होता है इतने लॉन्ग राइड्स के लिए, कि मेरे को 2019 में मेरा जो फर्स्ट वीडियो था एक बॉम्ब टाइप वीडियो बनाना था और वो ऑलमोस्ट प्लान्ड हो गया था। फिर बाद में सोचा कि चलो अभी यही डाल देते तो अभी वो नेक्स्ट वीडियो हो जाएगा, पता चल जाएगा वो क्या वीडियो है। चलो जान दो अभी ये वीडियो बनाते हैं सब्सक्राइबर डिमांड पे। बाद में सोचा चलो अभी ये वीडियो बनाना है, क्यों ना हम लोग यूट्यूब पे एक पोल डालते। आपको अगर ये पोल का चीज नहीं मालूम, जितने भी यूट्यूबर होते हैं उनको एक मिनिमम सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने के बाद कम्युनिटी टैब का वो जो टैब होता है एनेबल्ड होता है, तो वो मेरे को एनेबल्ड हो गया। तो मैं सोचा चलो इसका कुछ अच्छा फायदा कर लेते। मैं पोल डाला, पोल में लिखा कि क्या मैं एक्सपेंसेस वीडियो बनाना चाहिए मुंबई टू कन्याकुमारी, कन्याकुमारी टू मुंबई का, और उसमें मैंने डाला यस यस और एक नो ऐसा इमोजी। तो 80% लोगों ने कहा कि यस यस मतलब बनाना चाहिए, मतलब 20% जो लोग थे नो। अभी ये जो 20% लोग अगर देख रहे रहेंगे सॉरी, ये वीडियो तो बना दिया है, आपको डिसलाइक दबा के जाना है तो जा सकते हो। समझ सकता कि 20% वाले लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, दिमाग लगाने में। फिर मैंने सोचा कि चलो अभी बना डालते हैं, बकबक वीडियो टाइप रहेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, घर पे बकबक करो। फिर बाद में एडिटिंग को भी हार्डली 2 घंटे में वीडियो एडिट और अपलोड भी हो जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं है, शेड्यूल करेंगे और हमारा अगला जो वीडियो रहेगा उसके ऊपर काम करेंगे। एक ट्रैवलिंग या आप बोल सकते हैं राइडिंग करते समय मेन एक सबको सवाल रहता है, कॉमन सवाल वो सब होता है ये सब चीजों का। सोचा कि इसके ऊपर क्यों ना हम थोड़ी चर्चा करें कि हमारा पेट्रोल एक्सपेंसेस कितना हुआ, फूड एक्सपेंसेस कितना हुआ, कितना मनी मैंने कैरी किया था और कितना मनी मैंने स्पेंड किया। तो ये मैं सोचा कि यही मेन 4 टॉपिक होते हैं आपको जानने के रहते हैं, तो मैं सोचा इसके बारे में थोड़ा हम लोग बात करते हैं। सो अभी आते हैं सबसे मेन टॉपिक। सबको एक सवाल रहता है कि लॉन्ग राइड्स में कितना पेट्रोल पे खर्चा होता है। अभी जो मेन टॉपिक है वो है पेट्रोल एक्सपेंसेस वाला, मेरे को मुंबई टू कन्याकुमारी, कन्याकुमारी टू मुंबई के लिए कितने का पेट्रोल लगा, तो इसमें वो क्लियर हो जाएगा। तो ये है आपके सामने, ये ने मैं पहले ही लिख के रखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। सो पूरे मुंबई टू कन्याकुमारी, कन्याकुमारी टू मुंबई पेट्रोल पंप पे विजिट किया 22 टाइम्स अप्रॉक्स। तो मैंने सब रेट्स लिखा है 320, 370, 361 ऐसे सब आप देख सकते हैं। अगर आपको पॉज करके देखना है तो ये सब मैंने इतना टाइम विजिट किया, तो ये सब मेरे को टैली करने के बाद आया 8178। तो हम लोग राउंड फिगर कर लेते 8200 कर लेते हैं। पूरे ट्रिप में मेरे को लगा 8200 का पेट्रोल अप्रोक्स। तो पेट्रोल एक्सपेंसेस का अपना क्लियर हो गया है, अपने को पूरे ट्रिप में लगा 8200 का पेट्रोल अप्रोक्स। तो अभी आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है फूड एक्सपेंसेस। फूड एक्सपेंसेस का अभी हुआ क्या है ना आपको बताता हूँ। जिधर भी हम लोग जाते थे, अभी से हम लोग 390 हो गया हम लोग का लोनावला का, हम लोग गए थे 3 लोग, 390 में हम लोग डिवाइड बाय 3 जो अमाउंट होता था तो हम लोग वो डिस्ट्रीब्यूट होता था, मतलब फूड एक्सपेंसेस का। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया है। तो हम लोग का ऐसा हम लोग होता था पर डे 1000 रुपीज डिवाइड बाय 3 होता था। तो अभी मेन आता है टॉपिक टोटल मनी आई कैरीड। आई डालना भूल गया मैं, वो शूट कर रहा था ना मैं, और शूट भी देखना पड़ता है, ये भी देखना पड़ता है, इसके लिए आई डालना भूल गया। तो ये जो टॉपिक है इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि ये पूरे ट्रिप में मैंने कितना पैसा कैरी किया था। तो फर्स्ट अभी जब हम लोग मेरे जगह से फ्लैग ऑफ किया था तभी मैंने इधर के ATM से 2000 रुपीज विड्रॉ किया था, बस उतना ही। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी हम लोग राइड करते रहते हैं, जो भी राइड करता है कभी भी ज्यादा अमाउंट कैरी नहीं करने का। कभी क्या होता है रात का समय रहता है, कभी कोई रुका लेगा, कुछ सा ना हो बट कभी बोल नहीं सकते। अगर होता है कोई रुकाया बोलेगा तेरे पास कितना पैसा, मतलब इन शॉर्ट चोर वोर टाइप ऐसा बीच में आएगा, इसके लिए उसके लिए कभी ज्यादा कैरी नहीं करने का बट ऐसा ना होगा, बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो मैंने 2000 रुपीज ही मतलब विड्रॉ किया था ATM से, तो रास्ते में खाने का वाने का लगता था वो उसके लिए हम लोग ने दिया था। फिर बाद में वो 2000 ऐसा मुर्डेश्वर जाने तक वो खत्म हो गया था, वहां पर जाके 3000 रुपीज विड्रॉ किया था। तो वहां पर हम लोग को देना पड़ा होटल का चार्जेस, वहां पे हम लोग ने 2 दिन स्टे किया था, पर डे हम लोग का था 1300 प्लस 1300 हो गया 2600। सो वो जो 2600 अमाउंट था वो 3 लोग में बट गया, तो 2600 का वो डिवाइड बाय 3। आप कन्याकुमारी में हम लोग का था 2 दिन का स्टे, तो वहाँ पे हम लोग को होटल पड़ा 1600 पर डे, तो 1600 प्लस 1600 3200, तो 3200 डिवाइड बाय 3 लोग, तो वो अमाउंट उधर जाता था। फिर बाद में मैंने फिर वापस निकाला कन्याकुमारी में, 5000 रुपीज विड्रॉ किया था ATM से,
क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा शॉपिंग करना था, बोला चलो निकलते हैं अभी, बाद में भी आगे लग जाएगा। फिर बाद में मैंने कुछ विड्रॉ नहीं किया था। मैं क्या करता था, पेट्रोल पंप पे सिर्फ मेरा कार्ड यूज करता था, और जिधर कार्ड नहीं लेते थे मेरे को उधर कैश देना पड़ता था, या पेटीएम से कभी कभार कर लेता था अगर पेटीएम की कौन से पेट्रोल पंप पे रहेगा उधर, तो ऐसा मैं करता था। टोटल मनी कैरीड का अगर आप पूछते हो तो मैं पूरे ट्रिप में मैंने कैरी किया 10,000 रुपीज। अभी आते हैं टोटल मनी स्पेंड। टोटल मनी स्पेंड ये पूरे राइड में आता है कितना, 8,200 हमारा पेट्रोल का। टोटल मनी स्पेंड में 8,200 हमारा पेट्रोल का, और मैंने वो जो बताया आपको पीछे टोटल मनी आया कैरी में 10,000। 8,200 प्लस 10,000 होता है 18,200। 18,200 ये पूरे ट्रिप में मेरा स्पेंड हो गया, सब फूड एक्सपेंसेस, खाने का पीने का सब पकड़ के 18,000 का ये राइड था जाके आने का मुंबई टू कन्याकुमारी, कन्याकुमारी टू मुंबई। तो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। ये शॉर्ट वीडियो था एक्सपेंसेस के ऊपर, खास करके बनाया गया है सब्सक्राइबर्स लोग के डिमांड पे। सो जितने भी लोग ने यस वोट किया था बना दिया है। और सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि शॉर्ट वीडियो था, होप पसंद आया होगा। इसमें लाइक करने जैसा ऐसा कुछ नहीं है, बट क्या बोलते हैं सब्सक्राइबर्स डिमांड, जिनको चाहिए था, आपको अगर पता चल गया होगा कि कितना खर्चा हो गया, कितना ये सब एक्सपेंसेस हो गए, दबा दो लाइक। और कुछ नहीं, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगा बाप।